नमस्कार दर्शकों, मैं अमिता। मेरे YouTube चैनल अमिताज किचन कुछ मीठा कुछ नमकीन में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं मेन कोर्स की रेसिपी लेके आई हूँ, दम आलू की रेसिपी। जो आप बनाएंगे तो देखिएगा घर में सबको बहुत अच्छी लगेगी और बनानी भी बहुत आसान है। तो चलिए मैं आपको दम आलू की रेसिपी बताना स्टार्ट करती हूँ, पर उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे होंगे, आपको कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे वीडियोस को ज़रूर ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करिए, और उसके बाद जो बेल आइकन है वो भी ज़रूर दबा दीजिएगा, जो नोटिफिकेशन आएगा आपके पास तुरंत आ जाएगा जैसे ही मैं वीडियो डालूँगी, तो आप फटाफट मेरे वीडियोज़ देख लेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। चलिए अब हम दम आलू बनाना स्टार्ट करते हैं। दम आलू बनाने के लिए मैंने 1/2 kg छोटे छोटे आलू ले लिए हैं। आप चाहें तो इससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ भी ले सकते हैं, पर छोटे साइज़ होगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि आसानी से गल जाएंगे, क्योंकि हमें इसको बॉयल नहीं करना है। तो चलिए आगे की हम स्टार्ट करते हैं बनाना दम आलू। दम आलू हम सरसों के तेल में बनाएंगे क्योंकि इसका असली स्वाद इसी में आता है। बाकी आप चाहे तो देसी घी में बना सकते हैं, रिफाइंड में बना सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कोशिश करिएगा कि इसे सरसों के तेल में ही बनाइएगा। तो देखिए मैंने पैन में सरसों का तेल कढ़ाई में रख दिया है और इसको हम गर्म कर लेंगे, जला लेंगे। तो तब तक देखिए अच्छे से गर्म हो जाता है, ये धुआं छोड़ने लगता है, उसके बाद हम आलू तलना स्टार्ट करेंगे। तब तक हम आलू को जब हमने छीले थे उसके बाद हम आलू को 10 से 15 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख देंगे छीलने के बाद, जिससे जो उसमें स्टार्च होती है थोड़ी सी स्टार्च निकल जाएगी। तो उसके बाद अब मैं जब तक घी गर्म हो रहा है उसको स्ट्रेन करके पानी उसका निकाल के उसको, जिससे कि उसका पानी निकल जाए, आलू को छान के रख लेती हूँ। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया, अच्छे से धुआं छोड़ने लगा है। इस टाइम भी हमको स्लो फ्लेम पे कर देंगे इसको, क्योंकि जब हम नहीं तो आलू डालेंगे तो इसकी छींटे उड़ेंगी, तो इसको स्लो फ्लेम पे कर देंगे। ये अच्छे से गल गया, इसको अराउंड 5 से 7 मिनट लगे मुझे इस सरसों के तेल को जलाने में, और उसके बाद हम धीरे धीरे करके इसमें ये आलू डाल देंगे। मैंने गैस स्लो कर दी है, स्लो फ्लेम पे, इसके बाद हम ये आलू डाल देंगे इसमें। हमें वैसे भी आलू स्लो फ्लेम पे करने हैं, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे करेंगे ना आलू बाहर से तो तुरंत पक जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे, पर अंदर से वो इतने कच्चे रह जाएंगे, तो इसलिए हमें वैसे भी इसको स्लो फ्लेम पे ही करना है, मीडियम टू स्लो फ्लेम पे। 2 मिनट बाद हम इसको थोड़ा सा फ्लेम को तेज कर लेंगे, पहले हम इसको ज़रा सा स्लो फ्लेम पे ही करेंगे 2 मिनट के लिए। वैसे तो दम आलू कई बार लोग बड़े आलू होते हैं इसके 2 टुकड़े करके भी बना लेते हैं, पर अगर आप कोशिश करिएगा कि अगर आपको दम आलू छोटा साइज़ का मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। बाकी ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप 2 टुकड़े कर लीजिए इसी तरीके से और इसी तरीके से उसको फ्राई कर लीजिएगा। चलिए इसको पहले हम 2 मिनट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसकी फ्लेम को कैसे करना है। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, अब इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर कर दिया है। हाई फ्लेम पे तो बिल्कुल भी मत करिएगा। अब इसको अराउंड 2 से 3 मिनट मैं इसको मीडियम फ्लेम पे कर लूँगी इसको, इस तरीके से हम इसको, चलिए 3 मिनट तक इसको अब हम मीडियम फ्लेम पे कर लेते हैं। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, ये देखिए इनका कलर आपने देखा होगा चेंज होना स्टार्ट हो गया, ये देखिए हल्के हल्के से पिंक से होने लगे। बस इसको हमने 1 मिनट और करेंगे इसको, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो चलिए 1 मिनट हम इसको और कर लेते हैं। देखिए हमारे आलू हो गए हैं, इस टाइम पे हम इनको निकाल लेंगे, गैस ऑफ बंद कर देंगे और इसके बाद हम इन आलुओं को निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारे आलू हम निकाल लेते हैं। ये हमारे सारे आलू हो गए और हमने निकाल लिए, देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है। बस आपको इतना ही करना है,
आप चलिए इसके बाद हम इसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसमें कढ़ाई में तले थे आलू, उसी कढ़ाई में मैंने एक्स्ट्रा ऑयल जो था वो निकाल दिया है। अराउंड 2 टेबलस्पून मैंने इसमें तेल रखा हुआ है। अब उसके बाद हम इसमें डालेंगे, देखिए गैस ऑन कर लिए, मैं 2 मीडियम साइज के प्याज डालूंगी इसमें और 2 लाल मिर्च साबुत डालूंगी और 5 से 6 ये लहसुन की कलियां डालेंगे और इसको हल्का सा 1-2 मिनट इसको ऑयल में अच्छे से भून लेंगे। हमें इसको बस इतना करना है जितने में ये जो प्याज है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, बिल्कुल हमें इसको डार्क ब्राउन या कुछ नहीं करना है, बस प्याज को ट्रांसपेरेंट करना है, जो मेरे ख्याल से 2 मिनट में आसानी से हो जाएंगे। तो हम इसको 2 मिनट के लिए इस तरीके से फ्राई कर लेते हैं घी में। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसमें डाल देंगे, 2 छोटी इलायची डाल देंगे इसमें और 8 से 10 अराउंड इसमें काजू डाल देंगे। इसको अच्छे से स्टर कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे, देखिए 2 मीडियम साइज के टमाटर मैंने हैं ये डाल देंगे। अब इसको अराउंड 2 मिनट हमें टमाटर को बिल्कुल अच्छे से गलाना है, जितनी देर में टमाटर गलेंगे तो उतनी देर में काजू भी भून जाएंगे। ये देखिए वो भी हम स्लो फ्लेम पे करके इसका हम लगा देते हैं इसमें लेट, टमाटर भी गल जाएंगे और 2 मिनट के लिए इसको छोड़ना है। चलिए 2 मिनट बाद हम इसको चेक करते हैं। 2 मिनट हो गए, चलिए मैं इसको चेक कर लेती हूँ। देखिए देखिए टमाटर गल गए हैं, देखिए इसको दबा के देखिए टमाटर गल गए अच्छे से। ये देखिए अब हम 1 मिनट इसको हाई फ्लेम पे करके अच्छे से कंटिन्यूसली स्टिर करते रहेंगे और 1 मिनट अच्छे से सब कुछ भून लेंगे। 1 मिनट के लिए लगातार आप खड़े रह के उसको भून लीजिए। देखिए 1 मिनट इसको मैंने कर लिया अच्छे से हाई फ्लेम पे, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको हमने अब मिक्सर ग्राइंडर में पीसना है, महीन पेस्ट बनाना है। पर ठंडा करने के बाद इसको ये आप ध्यान रखिएगा, गरम गरम बिल्कुल भी मिक्सर ग्राइंडर में मत करिएगा, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, तब उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में हम इसको अच्छा महीन पेस्ट बना लेंगे। मसाला ठंडा होने रख दिया, तब तक ये जो आलू थे फ्राइड इसको हम इस तरह फोक से छेद कर लेंगे जिससे जो ग्रेवी है अंदर तक चली जाए, अंदर तक रस जाए, जिससे कि हम दम आलू जब खाएं तो केवल ग्रेवी में ही टेस्ट ना हो, उसका टेस्ट अंदर आलू तक हमें आए। तो चलिए इसी तरीके से हम सारे आलुओं में इस तरह से फोक से 5-6 इस तरीके से छेद कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम तड़का बना लेते हैं इसका। देखिए मसाला मैंने पीस लिया है मिक्सर ग्राइंडर में महीन, और थोड़ा सा पानी की ज़रूरत लगे तो वो भी डाल लीजिएगा। तड़का बनाने के लिए मैंने वही ऑयल यूज़ करी हूँ जिसमें मैंने आलू तले थे, थोड़ा जितनी ज़रूरत पड़ी है 1 टेबल स्पून लिया है मैंने। मैं इसमें डाल दूँगी अराउंड 2 तेज़पत्ता, 2 मोटी इलायची और 1 थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का। इसको अच्छे से 1 मिनट कर लेते हैं। क्योंकि जो खड़े मसालों का ना जो फ्लेवर आता है ना वो अपना ही अलग सा होता है। अब इस टाइम पे इसके बाद हम इसमें डालेंगे अराउंड 1 टीस्पून साबुत जीरा, इसको भी भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे देखिए 1 साबुत लाल मिर्च और 1 हरी मिर्च कटी हुई, क्योंकि ये थोड़ी सी करारी ही बनती है ये सब्जी। अब हम इस टाइम ये हो गया, इसको कर लेंगे। इसके बाद हमने बस थोड़ा सा और कुछ ज़्यादा नहीं डालना है, हम इसमें डालेंगे अराउंड 1/4 स्पून हल्दी पाउडर और 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और बस मसाले को हमने अच्छे से ये देखिए भून लेना है। ये
और उसके बाद हम इसमें चलिए डाल देते हैं ये जो हमने मसाला पीसा था। ये डाल देते हैं इसमें, बाकी इसमें लगा हुआ है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी यूज़ कर लूँगी। अब इस टाइम पे हम इसको स्लो फ्लेम पे कर देंगे और इसको हमने भूनना है जब तक कि मसाला पानी ना छोड़ दे। देखिए मसाले ने घी छोड़ना साइड से शुरू कर दिया है, थोड़ा सा हम और करेंगे एक मिनट, क्योंकि अच्छे से घी छोड़ दें, क्योंकि देखिए जब तक मसाला अच्छे से नहीं बनेगा सब्जी का स्वाद भी अच्छे से नहीं आएगा। ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, क्योंकि अगर मसाला ठीक से कच्चा रह गया तो सब्जी में भी वो टेस्ट नहीं आएगा जो आपको चाहिए, तो इसलिए मसाला अभी हम एक मिनट और भून लेते हैं। ये अब हमारे देखिए अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से घी छोड़ दिया इसने। अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून अराउंड सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट है, देखिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा जितना आपको डालना है, और अराउंड इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सौंफ का पाउडर, इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इस टाइम पे इसमें आलू डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आपने नोटिस किया होगा जब मसाला मैंने पीसा था उसके बाद देखिए इसका कलर, जैसे ये वाला मसाला जैसे जैसे भुनता जाता है इसका अपना रंग आता जाता है। और ठीक है हमने स्पाइसेस भी डाले हैं, ये देखिए इसका कलर देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे अराउंड 1.5 कप पानी। देखिए मिक्सर ग्राइंडर में जो मसाला था ना मैंने उसी को यूज़ करा है, उसी में पानी डाल के इसको कर लिया है। और इसके बाद ये देखिए अराउंड 1.5 कप पानी बहुत होगा, बाकी क्योंकि ये लिपटे लिपटे बनते हैं। ये देखिए हमारे का बिल्कुल तैयारी हो गई है, अब हमने इसको देना है दम। सबसे पहले देखिए हम एक इसको उबाला दे लेंगे अच्छे से हाई फ्लेम पे, इसमें एक उबाला आ जाए तो फिर चलिए हम इसके बाद इसमें दम लगाते हैं। ग्रेवी में एक अच्छे से उबाला आ गया है, इस समय हमने करना क्या है इसको गैस को स्लो फ्लेम पे कर देंगे या बंद कर देंगे 2 मिनट के लिए, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। बंद ही कर दीजिए तो बेटर है, क्योंकि हमने इसमें एक इसका इंग्रेडिएंट डालना है दही, क्योंकि आपको पता है अगर हम दही गरम गरम में डालेंगे ग्रेवी में तो वो फट जाएगा, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा ठंडा करके ही डालते हैं, तो वो बेटर है कि हम स्लो करें। तो इससे अच्छा 2 मिनट के लिए गैस बंद कर देते हैं, उसके बाद हम इसमें दही ऐड करते हैं। ग्रेवी बिल्कुल ठंडी कर ली है मैंने, बहुत बिल्कुल नहीं करी पर काफ़ी देर कर लिए इसको 10 मिनट रख के। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून कर्ड डाल देंगे इसमें, हल्का सा मैंने फेंट लिया है, और इसके बाद इसको हिला लेंगे ये अच्छे से ये देखिए इसको अच्छे से हिला लेंगे दही को, इसको दही को हाँ इस तरीके से पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस ऑफ ही रहने दीजिएगा अगर आपने बंद करी हुई है। ये देखिए बस देखिए दही कितने अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया, अच्छे से डाल देंगे खूब सारा इसमें धनिया डालेंगे, और उसके बाद देखिए इसके बाद हमने इसको लगाना है दम। मैंने आपको बताया था ना कि देखिए वैसे तो लोग होता है कि दम अब दम आलू है तो दम तो लगाना है ना, इसको हम इस तरीके से देखिए फॉइल पेपर से साइड से कवर कर देंगे ये देखिए ठीक है ना, और इसके बाद हम इसका लिड लगा देंगे अच्छे से इसको, ये देखिए ये देखिए ये अब ये हुआ दम आलू बनाने का। दम नहीं लगा तो फिर दम आलू किस बात का। देखिए आलू दम होने के लिए रख दिए, पर इस बात का ध्यान रखना है जो आपने फॉइल लगाया अगर बड़ा है चारों साइड से चेक कर लीजिएगा, इसको अंदर को फोल्ड कर दीजिएगा, ये गैस को टच ना करे। और इसके बाद हमने इसको देखिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 12-13 मिनट तक अराउंड इसको हम स्लो फ्लेम पे रख के छोड़ देंगे। तो वैसे तो कई लोग होता है कि तवा रख दिया तवे के ऊपर रख देते, तो पर मैंने ऐसे ही रखा है स्लो फ्लेम पे, इसको हम 12 से 13 मिनट दम में पका लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स 10-12 मिनट हो गए हैं पूरे, मैं इसको चेक कर लेती हूँ,
ये देखिए, ये देखिए इसको, ये देखिए कितना बढ़िया, ये देखिए, ये देखिए घी पूरा अलग छोड़ गया है, कितना बढ़िया रंग आया, बिल्कुल हमारे दम आलू तैयार हो गए हैं बिल्कुल खाने के लिए। अगर आपको इसको देखिए, ये मेरी ग्रेवी तो सेमी बनाई है मैंने, ना बहुत ज़्यादा गीली बनाई है और बहुत ना ड्राई है, जो मैंने अपना पानी का बताया था। अगर आपको थोड़ा सा इसको ड्राई करना चाहते हैं तो 2 मिनट के लिए इसको चला लीजिए, पर मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है। ये देखिए दम आलू बन के लगभग हमारे तैयार हैं, इसको आप 10 मिनट वैसे भी ढक के छोड़ देंगे तो ये आपका ग्रेवी पड़े पड़े भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि आप तुरंत तो बनाएंगे नहीं। अब इसके बाद हम इसको गैस ऑफ कर देते हैं और इसके बाद इसको हम ऐसे नॉर्मल कवर करके ढक देते हैं, तो ये 10 से 15 मिनट में ग्रेवी अपने आप ही ठीक हो जाएगी मेरे ख्याल से। जितनी आपको चाहिए तो आप ठीक कर मत करिएगा, आप उसके बाद देख लीजिएगा, चेक करिएगा, उसके बाद करिएगा। हमने 10 मिनट ढक के छोड़ दिया था, ये देखिए, देखिए और ग्रेवी, अब हम इसकी ग्रेवी देखिए, ग्रेवी देखिए, आप खुद ही देख रहे होंगे कि पड़े पड़े भी ग्रेवी इसकी पहले से काफ़ी थिक हो गई, तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल भी मत करिएगा। ये देखिए अब तो बिल्कुल परफेक्ट हो गई ग्रेवी। तो चलिए हमारे ये दम आलू देखिए, यम्मी आलू तैयार हो गए। इसको आप किसी भी रुमाली रोटी के साथ खाइए, लच्छा पराठा के साथ खाइए, नॉर्मल पराठा के साथ खाइए, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा भी फ्रेंड्स की कैसी बनी है। तो चलिए मैं इसको सर्व कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दम आलू बिल्कुल बनकर तैयार हैं खाने के लिए। आप इसको जैसे चाहे खाइए, लंच टाइम पे खाइए, डिनर टाइम पे खाइए, आपके घर में डिनर है, गेस्ट आ रहे हैं तो बनाइए। देखिए वेज में ये बहुत ही एक बढ़िया डिश होती है और सब बहुत पसंद करेंगे। और आपकी कैसी बनी ये भी मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी फटाफट सब्सक्राइब कराइए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जब जब मैं वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।